ये जितने कोट और टाई पहन के बैठे हैं ना सब टीवी चैनल्स पे फ्रॉड, ये सब जेल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राज्यसभा से लोग जेल नहीं जाते क्या? जब अम्बेडकर, जब संविधान का राज आएगा, और वो आने वाला है, सबको सबके गुनाहों की सजा मिलेगी, चाहे कोई वर्दीधारी हो या कोई कुर्ताधारी हो। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भारतीय आर्मी से बहुत ज़्यादा डरती है। ये उस डर निकालने के लिए जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो चाइनीज कंपनीज में डायरेक्टर हैं, आप इस पर रिसर्च कीजिए, आपको मिलेंगे कितने गुजराती जो हैं मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी वहाँ पे एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी जो फ्रंट कंपनीज हैं उसमें कितने गुजराती डायरेक्टर्स हैं ये चेक कीजिए। तो ये जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं, ये देश की हर एक पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ की, ट्रेड डेफिसिट आज 75-25 का है भारत और चाइना के बीच में। इन्होंने हमारी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब कराने के लिए अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे इस्लाम धर्म के खिलाफ बुलवाया, ताकि क्या होगा, वहाँ पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, लाखों लोगों को वहाँ जगहें खाली होंगी, ये लोग बेरोजगार होकर इंडिया आएंगे, और नौकरियाँ किसे मिलेंगी, चाइना और पाकिस्तान के लोगों को, जो वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाते हैं कहाँ जाएगी वो, चाइना और पाकिस्तान को। ये है आरएसएस और बीजेपी की मेन साजिश। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो जो चाइना की आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी भारतीय आर्मी से डरती है, तो वो इसलिए डरती है कि हमारे पास एक सिस्टम है आर्मी का, यहाँ एक्सपीरियंस्ड फौजी भी होते हैं एक रेजिमेंट में या जो एक प्लेटून होगी, और उसमें नए लोग भी होते हैं, इससे मिल के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और दसियों साल तक एक दूसरे के साथ रह के जो भाईचारा या दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग फौजियों में बनती है आपस में, वो चार साल में से मेरे ख्याल से 1.5 साल तो इसी में निकल जाएगा ना उनकी ट्रेनिंग वगैरह में, तो 2.5 साल में क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या फौजी आपस में एक साथ तालमेल से लड़ेंगे, ये चाहते हैं, ये है बुनियादी वजह। तो ये मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन है, इन्होंने देश की जो ये पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी आर्मी की, जो एक इतना लंबा मजबूत हमारी आर्मी है और फौज है, एयरफोर्स नेवी, उसको ख़राब करने के लिए, वो सिस्टम सारा डिस्टर्ब करने के लिए, चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी आई है। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है, जिसकी हर एक भारतीय को जो भारत से प्यार करता है, भारत के संविधान से प्यार करता है, उसको सड़क पे आके मुखालफत करनी चाहिए पीसफुल तरीके से। जो नहीं करेगा उसकी वफादारी पे हमें शक है। मगर लोग जब सड़कों पर आ रहे हैं तो उन्हें फिर पकड़ पकड़ के रिटेन किया जा रहा है, पैसे ही इतने मिल रहे हैं ना। अब ये देखिए, जब ये ठेके पे इन्होंने रेलवे एयरलाइन सब तो ठेके पे दे दिया, सारी नौकरियां सरकारी ठेके पे दे दी, तो अब एक चीज आर्मी और फौज बची थी ना, एयरफोर्स नेवी और इंडियन आर्मी, तो उसको भी ठेके पे दे रहे हैं। अब ठेके पे कौन लेगा, यही अडानी अंबानी, और ये किसके एजेंट्स हैं, ये चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। आरएसएस की सारी पॉलिसीज पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए इनके साथ गठजोड़ के करके हो रही हैं, और इससे ये देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं जी। लेकिन सर वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं बीजेपी वाले, तो हिंदू राष्ट्र, तो देखिए हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, मनुस्मृति का लागू करना, उसका क्या मतलब है कि 7.5% लोग जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और महिलाएं जो 92.5% बनती हैं, उनका सबका हक छीन कर अपने पास कर लें, ये तो चाइना और पाकिस्तान की मदद के बगैर हो नहीं सकता ना। हम लोग करने देंगे क्या, उसके लिए क्या हमारी आर्मी करने देगी इनको, ये मनुवादियों को मनुवाद और मनुस्मृति लागू करने देगी? तो इसीलिए आर्मी के खिलाफ साजिश है, हमारी जो फौजें हैं उनके खिलाफ भी ये साजिश है, क्योंकि मनुवाद को तो चाइना और पाकिस्तान से ही मदद करके देश पे राज करना है। हिंदू राष्ट्र क्या यहाँ बन जाएगा वैसे बगैर चाइना और पाकिस्तान की मदद के? उन्हीं की मदद से हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगी, यंग बनाएंगे आर्मी को, सेना को यंग बनाएंगे, तो इसी प्रोसेस से बनाए ना। मना कर रहा है कोई यंग लोगों को भर्ती करने से, कोई मना कर रहा है? ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? किसानों ने सबसे बड़ा जो आंदोलन किया देश का अभी, जो CNRC की जो मुस्लिम महिलाओं ने किया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो किसानों का हुआ। उनकी बेसिक लड़ाई क्या थी? उनकी बेसिक लड़ाई भी ये थी कि चाइना जो है दुनिया में खेती और ज़मीनें खरीद रहा है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यही साजिश 3 किसान बिल ला के की गई थी। क्या क्या होगा, अडानी अंबानी और इन जैसे कुछ कंपनीज वाले किसानों की ज़मीन छीन लेंगे और वो चाइना को बेच देंगे, वही साजिश तो थी वो भी।
लेकिन हमारी ना पॉलिटिकल पार्टीज इस सच को बोलने को तैयार है, डरते हैं सब। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी